जो रूल अगर आपने अपना लिया तो आप सक्सेस होने से YouTube पर कोई नहीं रोक सकता। डू यू वांट टू नो दैट? जानना चाहेंगे वो रूल क्या है? YouTube पर आप सभी के लिए वो रूल सिर्फ तीन शब्दों का है, थ्री कैरेक्टर्स का है, PPC। ये PPC अगर आपने याद रख लिया तो आपका YouTube चैनल हिट हो जाएगा। फर्स्ट पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, और यहां पर पता आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट आप खुद है। बिकॉज यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपको अपने आप को बेचना है, यू आर सेलिंग योर सेल्फ, मतलब आपको प्रोडक्ट तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, यू हैव द प्रोडक्ट। द सेकेंड वन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज प्लानिंग, जो कि प्लानिंग आप कीवर्ड रिसर्च करके करोगे, जो कि प्लानिंग में आप ये करोगे कि आपको कितने टाइम में एक वीडियो लोड करना है, आपको अपने वीडियो की क्वालिटी क्या रखनी है, आपको अपना वीडियो लाइव वीडियो बनाना है या फिर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहते हो। कई सारे वीडियो आप देखते होंगे, बंदे की शक्ल नजर नहीं आती, सिर्फ इंफॉर्मेशन नजर आती है, खासकर ये होगा ब्यूटी टिप्स वाले में, सिर्फ हाथ नजर आता है और हाथ पर सारी ब्यूटी की पानी गली होते हुए ऑपरेशन होते हुए आपको नजर आते हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आप वीडियो की कौन सी फीचर रखने हैं, कि आपको लाइव वीडियो बनाना है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना है, PPT वीडियो बनाना है, एनिमेशन वीडियो बनाना है। ये सारी प्लानिंग मैं आपके साथ बैठ के भी कर सकता हूं। द लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ इसी की वजह से किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर किसी भी बिजनेस में सक्सेस मिलती है, अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। द लास्ट वन इज कंसिस्टेंसी, आपको अपने YouTube वीडियो पर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। जैसे अभी मैं राम वर्मा सर को सुन रहा था, उन्होंने ये बताया कि उनके 120 से ज्यादा वीडियो YouTube पर अपलोडेड है, और साथ साथ उन्होंने एक लाइन और बोली, वो क्या थी, हर हफ्ते एक वीडियो आ रहा है। व्हाट इज दैट हर हफ्ते? कंसिस्टेंसी। सागर जी का पर डे एक वीडियो अपलोड होता है, पर डे। व्हाट इज दिस कंसिस्टेंसी? मैं खुद एक यूट्यूबर हूं और मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का अकाउंट हैंडल करता हूं, मुझे जाना पड़ता है, मेरी अपनी वर्कशॉप होती है, वहां पर मुझे टाइम देना पड़ता है, मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के लिए आपको किसी न किसी कोच की जरूरत होगी, या फिर आप अपने लिए खुद एक शेड्यूल बना सकते हैं। ये शेड्यूल अगर आपने बना लिया, इसका सिंपल सा रहता है जो मैं YouTube में बताता हूं, मैं कभी भी 3 दिन की छुट्टी ले लो महीने में, 2 दिन की छुट्टी ले लो महीने में, ले सकते हो। 2 दिन की छुट्टी लेने के बाद आप अपने घर से भी दूर चले जाओ, आपके पास आपका कैमरा होना चाहिए, आपका माइक होना चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए, आराम से बैठकर 2 दिन में आप 12-15-20 वीडियो बना सकते हो, बना सकते हो। 12-15-20 वीडियो बनाओ, उनको एडिटिंग करो, और YouTube पर एक फीचर है शेड्यूलिंग का, YouTube पर एक फीचर है शेड्यूलिंग का, वहीं से अगले पूरे महीने की शेड्यूलिंग करके आ जाओ। पूरे महीने आपको नहीं सोचना कि आपका वीडियो कौन डाउनलोड कौन अपलोड करेगा, तब आपके वीडियो पर वीडियो बनेंगे, तब आपका कंटेंट राइट होगा, सिर्फ 2 दिन की आपको छुट्टी लेनी है, और इन द मीन वाले 28 दिन आपको खाली कंटेंट रेडी करना है। कंटेंट तो भरा पड़ा है लोगों के पास, है कि नहीं? हम सब जिस बिजनेस में है वो बिजनेस ही कंटेंट का है, हम कंटेंट ही तो बेच रहे होते हैं, प्रोडक्ट तो बहुत बाद में आ रहा है। सो कंटेंट तो हमारे पास है, तो ये कंटेंट आपको रेडी करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम चाहिए। 2 दिन का टाइम में आप आराम से पूरे महीने की वीडियो रेडी कर सकते हैं और उसको शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ताकि पूरा महीना आपका कंसिस्टेंसी पे खड़ा उतरे। सो दिस इज माय थंब रूल फॉर कंसिस्टेंसी। सो फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए पूरे वर्कशॉप के बाद मैं बाहर ही मौजूद रहूंगा, आप बाहर मुझसे मिल सकते हो।
वहां पर मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, यहां पर बैठे 650 लोगों को मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनते हुए देखना चाहता हूं। आप बनना चाहेंगे? दिस इज नॉट द राइट यस। आप बनना चाहेंगे? सो दोस्तों, इसी के साथ मैं बिता लेता हूं कि आप लोग यूट्यूब के इस फ्री प्लेटफॉर्म को जरूर यूज करेंगे। इसको यूज करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। इसके साथ आपको प्रसिद्धि मिलती है। इसके साथ अपनी टीम के साथ आप नेटवर्किंग बना सकते हैं। इसके साथ आप पैसा कमा सकते हैं। देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। थैंक यू फ्रेंड्स।